मैं डॉक्टर के एल मीना, असोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट। आज का पेपर रहेगा प्रायोगिक भूगोल और टॉपिक रहेगा मानचित्रों का वितरण। मानचित्रों के वितरण में दो तरह के मानचित्रों का उपयोग किया जाता है, गुणात्मक मानचित्र और एक होते हैं मात्रात्मक मानचित्र। गुणात्मक मानचित्रों में केवल गुणों को देखा जाता है, क्वांटिटी को नहीं देखा जाता, क्वालिटी देखा जाता है। तो क्वालिटी को हम संख्या में नहीं दर्शा सकते, और मात्रात्मक जो क्वांटिटिव मैप होते हैं उसमें हम उसकी मात्रा भी दिखा सकते हैं। इस विधि में हम घनत्व मूल्य और समय के साथ जो आंकड़ों में उतार चढ़ाव होता है उसको भी हम सांख्यिकी मानचित्र के द्वारा बता सकते हैं। इसमें हम जैसे वर्षा के मानचित्र में हम बता सकते हैं कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई, किस वर्ष में कितनी हुई। जनसंख्या का मैपिंग कर सकते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ, उसका वितरण, उसका घनत्व आदि हम दिखा सकते हैं। उत्पादन को दिखा सकते हैं, प्रोडक्शन, खाद्यान्न का प्रोडक्शन कितना हुआ, फसल वाइज कितना हुआ और किस वर्ष में कितना हुआ। मात्रात्मक मानचित्रों को मात्रात्मक विधियों द्वारा बनाया जाता है, और इसमें विधियों के अनुसार ही इनका नामांकन होता है। इन्हें हम पांच चार विधियों के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे सम्मान रेखा विधि का उपयोग कर सकते हैं, वर्णमात्र विधि का उपयोग कर सकते हैं, बिंदु विधि का कर सकते हैं, आलेखी विधि का कर सकते हैं। जैसे सम्मान रेखा विधि का हम प्रयोग करें तो सबसे पहले हम किसी भी, चाहे तो राजस्थान का मानचित्र हो चाहे भारत का मानचित्र हो, जैसे ये आउटलाइन मानचित्र है, अब इसमें हम सम्मान विधि द्वारा वर्षा को दिखाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो वर्षा के आंकड़े हैं उनको देखेंगे कि किस ज़िले में कितनी कितनी वर्षा होती है, और उसी के अनुसार फिर हम सम्मान जो समान मान को दर्शाती है। सम्मान रेखा विधि में समान माप या मान वाली रेखाओं को सम्मान रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जैसलमेर के आसपास है तो ये एक सम्मान रेखा हो गई। फिर 10 से 20 सेंटीमीटर की एक सम्मान रेखा हो गई। फिर 20 से 30 के बीच में एक 30 की सम्मान रेखा, 40 और 50 की सम्मान रेखा जो विधि है, जो मेथड है, तो 50 में राजस्थान को जैसे दो भागों में बांट दिया। फिर 60, 70, 80, इस तरह से जो सम्मान, जहाँ जहाँ समान मान के अनुसार वर्षा होती है उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम किसी वस्तु की मात्रा मूल्य को यथास्थान लिखते हैं, उसके बाद इन मूल्यों को किसी उचित अंतराल पर अंतर्वेशन करके मानचित्रण में सम्मान रेखा खींच देते हैं। जलवायु के तत्वों जैसे तापमान है, वर्षा है, दाब है, पवन वेग है आदि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी है वर्णमात्र विधि। यह एक प्रकार का मात्रात्मक विषयक मानचित्र है जिस पर सामाजिक आर्थिक तत्वों, गणित के वितरण को विभिन्न छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें कोरोप्लेथ शब्द या कोरोप्लेथ मेथड भी कहते हैं इसको। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, कोरो माने स्थान और प्लेथ माने माप। इसका अर्थ है क्षेत्र में मात्रा। वर्णमात्री मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या, मूल्य, घनत्व प्रदर्शित किए जा सकते हैं। प्रशासनिक इकाई के आधार पर सभी प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों की सरल तरीके से, जैसे तहसील, जिला, राज्य की इकाई को चुनकर हम कर सकते हैं। वर्णमात्री विधि में सर्वप्रथम राज्यों के अनुसार दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में दिखाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। और वर्गों की संख्या निश्चित होने के बाद प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित राज्यों में एक जैसी छाया भरेंगे। जैसे 0 से 10
के बीच में जो आएंगे उसमें एक ही तरह की, 10 से 20 में अलग तरह की। इस विधि में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मूल्यों के बढ़ने के साथ साथ उसकी जो छाया है, शेडिंग है, उसको थोड़ा भारी कर देंगे, और जहाँ पर घनत्व कम है या उसका माप कम है या मान कम है तो उसका शेडिंग या छाया को हल्की कर देंगे, तो उसे देखने से ही पता लग जाएगा कि इस क्षेत्र में मूल्य ज़्यादा है, इसमें कम है। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि भारत में जनसंख्या घनत्व, तो भारत का एक आउटलाइन मानचित्र लेंगे और इसमें हम जैसे यहाँ पर संकेत में इंडेक्स में हमने 5 क्राइटेरिया ले लिया है, जैसे 101 से कम घनत्व के क्षेत्र, फिर 101 से 200, फिर 201 से 300, 301 से 400 और 400 से अधिक। तो ये हमने 5 जो है संकेत बॉक्स ले लिए और इनमें शेडिंग भी हमने सबसे जो कम घनत्व हल्की शेडिंग रखी है, और जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा तो हमारी जो शेडिंग है वो भी थोड़ी हार्ड हो जाएगी, भारी हो जाएगी। जैसे हम देखें इसमें कि भारत की जनसंख्या घनत्व को देखें तो जैसे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ घनत्व लिखा हुआ है। अब इसमें देखें हम कि जैसे 0 से 101 से 100 कम में कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें तो राजस्थान में कम है, मध्य प्रदेश में कम है, छत्तीसगढ़ में कम है। अब इसी तरह से हम 200 और 201 से 300 देखें, इसी तरह से अधिक घनत्व के क्षेत्र 400 से अधिक को देखें तो जो भारी घनत्व के क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली है, पंजाब हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और दक्षिणी भारत के तमिलनाडु केरल है, तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो इसमें हम वर्णमात्र विधि में इसके जो संकेतक हैं उसकी शेडिंग है, छाया है, वो भारी है। अब हमको देखने से ही मालूम होगा कि इस विधि में हम आसानी से उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है और कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। हम देखें तो जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे कम घनत्व पर नज़र आएगा आपको। तो इस तरह से ये विधि जो है, इसी तरह से तीसरे तरह की विधि है बिंदु विधि। इसमें केवल डॉट लगाए जाएंगे। वितरण मानचित्र बनाने के लिए यह विधि किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को समान आकार व आवर्ती वाले बिंदुओं को माध्यम से दर्शाया जाता है, और कोई भी बिंदु मानचित्र एक ऐसा वर्ण प्रतीक मानचित्र जिसमें एक ही प्रतीक बिंदु की पुनरावृत्ति होती है। इस मानचित्र में बिंदुओं की कुल संख्या और प्रदर्शित मात्रा के मध्य निरपेक्ष अनुपात होता है। बिंदु मानचित्र बनाने के लिए आंकड़ों की उच्चतम और न्यूनतम संख्या को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु का मान हमने 5000 मान लिया, तो यह एक बिंदु का मतलब मान लिया 1000 पशु, तो जैसे 2 बिंदु लगाएंगे तो 10000 हो जाएंगे, 3 बिंदु लगाएंगे तो 15000 हो जाएंगे। इस तरह से प्रत्येक प्रशासनिक इकाई जिसके अनुसार आंकड़े हैं उसी के अनुसार संपूर्ण संख्या मात्रा को प्रकट करने वाले बिंदुओं की संख्या ज्ञात की जाती है, और इसके बाद निर्धारित इकाइयों में बिंदु लगा दिया जाते हैं, डॉट लगा दिए जाते हैं। इस विधि को हम जनसंख्या के आंकड़ों में भी यूज कर सकते हैं, पशुओं का जो आंकड़े उन पर कर सकते हैं, फसलों के प्रकार को दिखाने में भी कर सकते हैं, और चुने हुई मापनी के अनुसार एक ही आकार के बिंदु वितरण प्रतीकों को दर्शाने के लिए विकल्प किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखना है, आवश्यक है कि दिए हुए क्षेत्र या प्रशासनिक मानचित्र जिसमें राज्य हो, चाहे स्टेट हो, चाहे जिला खंड हो, उसकी सीमा के अंदर ही दिखाए जाते हैं बिंदु। चुनी हुई प्रशासनिक इकाई के लिए चुने हुए विषय आदि के आंकड़े हों, एक बिंदु के मान को निश्चित करने के मापनी हो। जैसे हम यहाँ देखें प्रत्येक भू आकृतिक मानचित्र, उच्चावत जल प्रवाह मानचित्र, इसमें देखें जैसे हम कि ये राजस्थान का जनसंख्या वितरण है, जैसे गंगानगर की जनसंख्या 17,88,487 है, तो इसका मान हमने ले लिया, मान लीजिए कि एक बिंदु बराबर 50,000, तो 17 लाख ये हैं, तो राउंड फिगर में ये 36 बिंदु आएंगे, हनुमानगढ़ में 30 बिंदु आएंगे। इस तरह से हम देखें तो ये बिंदुओं की संख्या रहेगी, जैसे जैसलमेर में 50 लाख है, 50
5 लाख है तो इसमें 10 बिंदु आ जाएंगे। इसी तरह से हम अजमेर में देखें तो 21 बिंदु हैं, लगभग 22 है, 21.80, तो 44 बिंदु आ जाएंगे। इसी तरह से फिर हम जब मानचित्र बनाएंगे आउटलाइन मैप, तो उसमें आउटलाइन मैप में हम बिंदु लगाते जाएंगे, डॉट लगाएंगे, एक डॉट का मान 50,000 रहेगा। तो इस तरह से जब हम इस मानचित्र को देखते हैं जनसंख्या वितरण 2001 में डॉट मेथड से, तो हमको साफ नज़र आएगा कि जैसे पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर या बीकानेर क्षेत्र, वहाँ पर आपको कम बिंदु नज़र आएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि वहाँ पर जनसंख्या कम मात्रा में है, और जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, घनत्व ज़्यादा है, वितरण ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डॉट नज़र आएंगे। जैसे हम देखें इसमें तो जयपुर का एरिया है, दौसा है, अलवर भरतपुर है, तो यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, तो वहाँ ज़्यादा डॉट मिलेंगे। और कुछ डॉट दक्षिण में जैसे उदयपुर है, तो वहाँ भी हमको ज़्यादा डॉट नज़र आ रहे हैं। और पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ही कम डॉट नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जनसंख्या कम है। और जहाँ पर मध्यम आकार के डॉट हैं, वो भी हमको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हम एक आउटलाइन मैप लेके और प्रत्येक ज़िले की जनसंख्या को लेकर और एक मान मान के, एक पैमाना मान के, एक बिंदु बराबर 50,000 मान सकते हैं व्यक्ति, 1 लाख यदि आपको कम डॉट लगाने हैं तो कम, एक बिंदु बराबर 1 लाख ले सकते हैं, ज़्यादा डॉट लगाने हैं तो एक बिंदु बराबर 25,000 भी ले सकते हैं, पर ज़्यादा डॉट से भी फिर ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, ज़्यादा पास पास हो जाएंगे बिंदु, तो एक बिंदु बराबर या 50,000 या 1 लाख। चौथी जो विधि है वो है आरेखीय विधि। इस विधि के आधार पर मानचित्र में किसी वस्तु के वितरण को आलेख या डायग्राम आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आरेख के कई प्रकार हैं, लगभग प्रत्येक प्रकार के जो आरेख हैं उनको आलेख मानचित्र कहते हैं। उसमें हम डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे चक्र डायग्राम है, आयताकार आरेख है, तो उसके अंदर भी हम एक डायग्राम का या ग्राफ का मेथड का यूज कर सकते हैं। विषयक मानचित्र, प्रत्येक मानचित्र का कोई निश्चित उद्देश्य होता है। मानचित्र के द्वारा अनेक विषयों से संबंधित तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। विषयक मानचित्र के विशेष उद्देश्य या तथ्य को ध्यान में लाकर किए जाते हैं। एक विषयक मानचित्र सामान्य मानचित्र से भिन्न होता है। भूतल पर अनेक प्रकार की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विविधताएं हैं। हम विषयक मानचित्र द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित विषय को लेकर उसका निरूपण कर सकते हैं। जैसे इतिहास विषय को लेकर या इतिहास विषय का कोई मानचित्र बनाए तो हम उसके शासनकाल को देख सकते हैं कि मौर्यों का शासनकाल या अशोक महान का शासनकाल, इस तरह से हम विषयक मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं।